सत श्री अकाल, तुसीं लुधियाना टाइम्स देख रहे हो तो मैं अमन सिंह तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत करदा। पंजाब दे विच बेअदबियां जिहड़ियां ने रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं, आए दिन कोई ना कोई नवीं घटना जिहड़ी सामने आ रही है। सो हुण राजपुरे दे इक गुरद्वारा साहब दे विच इक शख्स जो कि बूट लै के नंगे सिर गुरद्वारा साहब दे अंदर दाखिल होया, सो सीसीटीवी दे विच सारिआं जिहड़ीआं फोटोआं ने वह कैद हुई ने, वीडियो जिहड़ी है सामने आई है, जिस विच एक शख्स जिसने लाल रंग की टी शर्ट पाई है और गुरद्वारा साहब के अंदर नंगे सिर बूटा के समेत पहुँच जाता है। पहला सेवादारा वालों उसनू रोकया जाता, उसनू बाहर जाने लिए आख्या जाता है, बाहर चलिया जाता, फिर दोबारा अंदर आता है। गुरु साहब की ताबिया तक पहुँचने की कोशिश इस शख्स वालों की जाती है। सो तस्वीर के वेख सकते हो कि लाल रंग की टी शर्ट पाया शख्स जिसका नाम साहिल दसिया जा रहा है गुरद्वारा साहब के अंदर नंगे सिर और बूटा समेत पहुँचता है। जिहड़े सेवादार ने उन्हां वालों इसनू रोक के इसकी कुटमार की जाती है, उस तो बाद इसनू पुलिस के हवाले कर दिता जाता है। पर सवाल एक बार फिर खड़े होंगे ने कि कारण है, की मंशा है इस शख्स की जो ये गुरद्वारा साहब के इस तरह नंगे सिर और बूटा समेत पहुँचा, क्योंकि पहला ही कई बेअदबी के जिहड़े मामले ने हुण तक सामने आ चुके ने और दोषियों नूं जे कहा जाए तो फड़िया भी गया, पर हाले तक साजिशकर्ता जिहड़े ने वह कानून की गिरफ्त तो बाहर ने और एक नवा जिहड़ा मामला इस सामने आया। राजपुरा के एक गुरद्वारा साहब की एक घटना दसी जा रही है, तस्वीरों के विच तुसीं वेख सकते हो, तस्वीरां सीसीटीवी दे विच कैद होईआं ने कि किस तरह यह शख्स गुरद्वारा साहब के अंदर आउंदा है, नंगा सिर हुंदा इसका और बूटा समेत पहुँचता है। सेवादार इस नाल इसनू धक्का मार के बाहर भी भेजते हैं, पहला कहते हैं कि बाहर चलिया जाता, दोबारा फिर अंदर आता है और आके बेअदबी की कोशिश इस वालों की जाती है। बेशक सेवादारा वालों इसनू काबू करके इसकी कुटमार की जाती है, इसका नाम साहिल दसिया जाता है, उस तो पश्चात पुलिस के हवाले किया जाता है। सो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जाँच के दौरान ये तत्थ खंगालन की कोशिश करेगी कि की मंशा सी इस शख्स की, ता जो पता लग सके कि क्यों इस शख्स ने एक काम किया और ये जिहड़ी घटना वापरी है। गुरद्वारा साहब के अंदर गुरद्वारा साहब की मर्यादा एक बार फिर भंग करन की कोशिश की गई है कुछ मूर्ख लोगों वालों। मैं तो यही कहांगा कि लोग मूर्ख ने जिहड़े वार बार इदां दीआं कोशिशां करदे ने किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा नूं भंग करन दे लई। अज सवेरे तकरीबन सवा सात बजे गुरुद्वारा साहब कीर्तन चल रहा है, तो यह बंदा जिन्हें सिरों नंगा तो बूट पाए हुए सी सीधा दरबार साहब च एंटर करिया, जिथे मत्था टेक लिया गोल पाई है उत्थे तक पहुँच गया, तो इन्हें रोकने की कोशिश की रही, उत्थे बीबियां भी सी कुछ उन्होंने भी इन्हें धक्के मारे, तो उस तो बाद सेवादारा ने इनू फड़ लिया, फड़ के इन्हें समझाया तो बाहर कटे, इन्हें गेट पर लाया, गेट तो फिर यह दोबारा गुरुद्वारा साहब जाके भी अपनी करे। सर जी कोई इहदी पहचान हुई? पहचान इहदा नाम साहिल तो रहे भी साहिल नाम है इहदा, ते गुरुद्वारा साहब दे नेड़े किते रहिंदा गलियां च, वासी राजपुरे दा ही, वासी राजपुरे दा ही। हुण सर इहनू किथे, इहदी सीसीटीवी कैमरे दी फुटेज हैगी जी कुछ? सीसीटीवी कैमरे जिहड़े है वो गुरुद्वारा साहब सारे लगे हुए हैं, उन्हां दे विच सारा फुटेज हैगी है, वो फिर प्रोवाइड करा दूंगे सानू। हाँ वो सारी देख सकते हैं, उसके कोई अपनी कोई लुकाने वाली गल तो है। हुण सर दोषी है जिहड़ा उहनू फड़ के कित्थे थाने दित्ता? हुण असीं थाने इत्थे लै के आए हां। ठीक है जी, सेवादारां ने फड़ के इहनू एक बार बाहर कीता है, ते फिर दुबारा अंदर वड़ के एक बीबी दे के इहनू थप्पड़ मारिया, उत्थों फड़ के इहनू फिर असीं अंदर बिठाया, जो सानूं पता लग्गिया नाल दे नाल सारे सिंह स्टाफ जिन्ना सी इकट्ठा हो गया, इहनू पुछगिछ कीती, दसदा नहीं सी, कुछ बोलदा नहीं सी, बाद विच दसदा भी मेरे फादर ने मैनूं इत्थे भेजिया, इन्ना की बोलिया इह। उस तों बाद इहदे फादर उत्थे आए, उह कहिंदे जी इह
दिमागी तौर पर ठीक नहीं, जो अक्सर होंदा ही है जो भी बेअदबी होंगी महाराज की, तो कहते दिमागी तौर पर पागल है। बिल्कुल ठीक सीगा, जॉब भी करता है, ये फोन भी सीगा, गड्डी ते आया, और ये बिल्कुल ठीक है, इन्हू कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। बिल्कुल असी हमेशा कोशिश करते हैं, गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब सारिया वालों ही कोशिश हमेशा की जाती है कि गुरु घर के हर वक्त सेवादार हो, महाराज के दरबार में हो, गेट के हो, सुचेती रखन, सुचेती करके ही यह काबू आ गया। कल ये गुरु साहब के नेड़े भी जा सकता है, जिन्हें सेवादार से सुचेत से उन्होंने इन काबू कर लिया। इस समय राजपुरा विखे एक जो नौजवान साहिल रोड़ा जी का नाम है, वह जुते समेत तो बिना सीट के जो है अंदर होया, तो सेवादार ने उन्होंने मना किया कि तू इस तरह ना जा, पर उसके बावजूद भी वह जबरदस्ती किया, तो सेवादार ने उन्होंने धक्के मार के जो है बाहर कढ़िया गया, तो पुलिस जो है उस साहिल रोड़ा थाने लै जा चुकी है। जो कानून मतलब कार्रवाई बनती है वो लाजमी दिखती है। जिवें सर सर बीते दिन पटियाला भी बीती हुई थी, अच्छ राजपुरी भी हो गई, कोई खास प्रबंध भी अपने वालों किए जा रहे हैं? देखो अजिंह घटना पहला ही मान के नहीं कर सकते कि होएगी, पर जिदा जो कोई घटना इस तरह की वापर जाती है तो पुलिस प्रशासन सारी जगह सतर्क होकर जो है वह सुरक्षा प्रदान करता। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना टाइम्स।